राम राम जी सारे ने, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस कुर्ती की सिलाई करना बताऊंगी और साथ में मैं लेस भी लगाना बताऊंगी नेक पे और पल्ले पे, कैसे लेस को अटैच करना है, डिज़ाइन कैसे करना पल्ले को। तो ये मेरे पास मैंने कुर्ती की कटिंग कर रखी है और हाँ, मैंने बोट नेक की भी कटिंग कर ली है। तो इस कुर्ती में मैं बोट नेक को अटैच करूँगी। ये देखिए, अगर आपको बोट नेक कटिंग करना नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं आपको बोट नेक की कटिंग करना बताऊंगी। तो मैं इसको कपड़े पे, पहले मैं कपड़े पर अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बैक और फ्रंट के लिए नेक को कटिंग किया है और दो कपड़े मैंने लिए बैक और फ्रंट के लिए। तो पहले मैं आपको एक नेक को ज्वाइंट करना बताऊँगी कपड़े के ऊपर कि कैसे नेक को हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर से ही पहले कच्ची सिलाई लगाएंगे। देखिए, इसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई मोटे बखिए से लगाएंगे। नेक के पूरे राउंड में सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से 1/2 इंच कपड़े को रखते हुए और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद आगे की तरफ से भी कपड़े को कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसके ऊपर। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया है और एक कच्ची सिलाई यहाँ ऊपर की तरफ भी लगाएंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा को यहाँ ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने कटिंग कर दिया है। ऐसे ही मैं दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइंट कर लूँगी नेक के। तो जैसे कि सेम मैंने उस नेक को ज्वाइंट किया है, वैसे ही इस नेक को भी ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, ये ऊपर की तरफ मैंने नेक पे सिलाई लगा ली है कच्ची। कच्ची सिलाई लगाने के बाद ये ऊपर की तरफ जो पट्टी रखी हुई है इसके ऊपर भी हम कच्चा ही कर लेंगे। ये मैंने इसके ऊपर भी कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद जैसे पहले वाले नेक पे फोल्ड किया था, ऐसे ही इस नेक पे भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बैक और फ्रंट के नेक दोनों ही इस तरह से कपड़े के ऊपर अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है कुर्ती का और इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से। ओपन करने के बाद सेंटर में निशान लगाएंगे। तो ये मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है। अब इस निशान के ऊपर हम नेक को सेट करेंगे। सेंटर से सेंटर में ला लेंगे इस तरह से और सेंटर में सिलाई लगाएंगे पहले कच्ची इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने सेंटर में लाइन खींची है, इसी लाइन पे ही सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल नेक के पास पास से ही सिलाई लगा देंगे इस तरह से, जैसे हम हर एक कुर्ती में सिलाई लगाते हैं वैसे ही मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे और नेक की जो लंबाई है जो मैंने 5 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है। देखिए, यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कटिंग कर देंगे 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए। ये देखिए, ये मैंने कपड़े को कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद इसमें हल्के हल्के से यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद नेक को उल्टी तरफ को पलट देंगे। तो
तो अब ये देखिए मैंने कट लगा ली है। कट लगाने के बाद नेक को इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर से कच्ची सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ से हम 2 से 2.5 इंच छोड़ देंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों छोड़ना है। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया, ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद इसके कंधे को ज्वाइंट करेंगे। तो कंधे को ज्वाइंट कैसे करेंगे, ये देखिए ये यहाँ से ये मैंने 2.5 इंच छोड़ा था, तो दोनों पार्ट में मैंने 2.5-2.5 इंच छोड़ रखा है। अब यहाँ से इस तरह से सिलाई मिलाएंगे नेक की, और इनके ऊपर से 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगा देंगे। तो यहाँ से पक्की कर लेंगे कंधे को। तो इस तरह से दोनों कंधे को ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से कंधे को ज्वाइंट करने से बहुत ही फिनिशिंग आती है कंधे में। इस तरह से ये देखिए ये मैंने दोनों कंधे को ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद इसको उल्टी तरफ से इस तरह से पलट देंगे। यहाँ से इसको कंधे को चीर देंगे, चीरने के बाद ऐसे पलट देंगे। अब इसके ऊपर से कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि हम बाद में सिलाई को निकाल दें और यहाँ पे तुरपाई कर लें। इस साइड हिप की तरफ से ऊपर की तरफ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये मैंने हिप की साइड से और इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाऊंगी सिलाई को लगाते हुए, और फिर एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा लेंगे। अगर आप ऐसे ही फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी कुर्ते की। तो ये देखिए यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरह से ही। तो ये मैंने फिटिंग लगा ली है सूट की, सॉरी कुर्ती की। ये मैंने दोनों तरफ फिटिंग लगा ली है इस तरह से। ये देखिए एक साइड मैंने इस तरह से और दूसरी साइड भी ऐसे। अब नीचे से कुर्ती के पल्ले को फोल्ड करेंगे। तो पल्ले कैसे फोल्ड करने, ये देखिए पहले इतने ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे जितना भी आपने फोल्ड करने का मार्जिन लिया पहले आप निशान लगा लिए। देखिए जैसे कि मैंने निशान लगा लिया है मैंने पल्ले को इतना फोल्ड करना है, तो एक बार ऐसे फोल्ड करूँगी और दूसरी बार भी ऐसे ही फोल्ड करके और इसकी किनारी पे सिलाई लगा लूँगी। आपको कुर्ती की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे इससे भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो लेके आएँ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो ये मैंने एक पार्ट के पल्ले को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, दूसरे पार्ट के पल्ले को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो उस पर भी मैं इस तरह से ही निशान लगा लूँगी पहले जितना फोल्ड करना है। तो दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये मैंने पहले कट भी लगा रखे हैं यहाँ पे जितना मैंने पल्ले को फोल्ड करना है। तो यहीं से ही इसको इस तरह से पलटेंगे, एक बार ऐसे रखेंगे और दूसरी बार फिर ऐसे पलटेंगे और इसको भी जैसे पहले वाले पल्ले को फोल्ड किया ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे।
ये बैक और फ्रंट के दोनों पल्लों को मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब इसके चाक को फोल्ड करेंगे। तो चाक फोल्ड करने का मैं आपको बहुत ही ईजी सा तरीका बताऊँगी। तो पल्लों को इस तरह से फोर फोल्ड कर ले, अच्छे से सेट करते हुए मैंने फोर फोल्ड में बिछा लिए हैं। अब यहाँ पे जितना भी हमें पल्ला रखना है उसका चौथा हिस्सा का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे पल्ला मैं 10 इंच का रखूँगी तैयार, तो ये मैं 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से आपको जितना भी रखना है, 9 का रखना, 8 का रखना, तो आप उस पर निशान लगा लें। और यहीं से यही निशान हम चारों पल्लों में लगा लेंगे नीचे की तरफ, इस तरह से उठा उठा के। यहाँ से इस तरह से पल्ले को हम चाक को फोल्ड करेंगे तो कहीं से भी छोटा बड़ा भी नहीं होगा और बहुत ही सफाई के साथ फोल्ड हो जाएंगे चाक। तो ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैं आपको जल्दी में बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये मैंने एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर ली और दूसरी साइड भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड से चाक फोल्ड कर लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये नज़र आएंगे। तो अब इसके ऊपर ये लेस को अटैच करूँगी मैं। तो लेस कैसे लगानी है ये देखिए, पल्ले के फ्रंट पार्ट के पल्ले में मैं राउंड में ही लेस को लगाऊंगी। तो लेस को मैं इस तरह से रखूंगी और इसके किनारे पे ही सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ से मैं अच्छे से सेट करते हुए इसको इस तरह से यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लूँगी मैं ऊपर की तरफ से, और इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। ये जैसे पहले वाली सिलाई लगाई है ऐसे ही सिलाई को भी इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। लेस को यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि हमारी लेस बाद में निकले ना। तो ये मैंने लेस पे सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो ये लेस मैंने फ्रंट पार्ट में ही लगाई है। इस तरह से लगाने के बाद पल्ला कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, ये चाक की साइड है और ये नीचे के पल्ले के ऊपर इस तरह से ही मैंने लेस को लगा लिया है। ये मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। ये देखिए, दोनों तरफ और नीचे की तरफ भी मैंने लेस को लगा दिया है। ऐसे ही मैं लेस को नेक के ऊपर भी लगाऊँगी। तो यहाँ पर भी मैं पूरे राउंड में ही जैसे मैंने पल्ले पे लेस को अटैच किया ऐसे ही मैं नेक पे भी लेस को अटैच कर दूंगी। ये भी किनारे पे सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड में लेस को अटैच कर देंगे। तो ये मैंने लेस को पूरे राउंड में इस तरह से अटैच कर दिया। ये देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है ये लेस को लगाने का। आप इसकी बाजू को जोड़ेंगे तो पहले मैं बाजू में लेस को जोड़ लूँगी इस तरह से। मैंने बाजू की मोरी को पहले से फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद भी इसके ऊपर से हम लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लेस को ऊपर की तरफ ही रखेंगे और इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने बाजू में डबल सिलाई लगा ली। ऐसे ही मैं दूसरी बाजू पे भी लेस को लगा लूँगी। तो ये मैंने दोनों बाजू पे लेस को लगा लिया। लेस को लगाने के बाद तो मैं आपको एक बाजू कुर्ती के अंदर ज्वाइंट करना बताऊँगी, तो दूसरी बाजू को भी आप ऐसे ही ज्वाइंट कर लें। तो पहले अच्छे से मिला लेंगे बाजू को। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बाजू को अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ से पहले हम कुर्ती का आर्मोल को मिलाएंगे। तो कुर्ती के आर्मोल को कैसे मिलाएंगे बाजू के साथ, तो ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे हम कुर्ती के आर्मोल को। जैसे यहाँ से एक्स्ट्रा निकलेगा यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो ये मैंने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद इसको हम बाजू के आर्मोल में मापेंगे कि कहाँ तक आया है, ये वहीं पर निशान लगा लेंगे।
तो ये भी मैंने बाजू के अरमोल में निशान लगा लिया है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद जो ये मैंने फिटिंग के निशान लगाए हुए इसी निशान के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे पहले हम पक्की सिलाई लगाएंगे मोरी की तरफ और फिर हम ऊपर तक सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। बाजू अटैच करने का कुर्ती के साथ या सूट के साथ ब्लाउज़ के साथ अगर आप इस तरह से बाजू को अटैच करोगे तो बहुत ही आसानी से बाजू अटैच हो जाएगी और कहीं पे झोल भी नहीं आएगी। तो ये देखिए ये मैंने बाजू में सिलाई लगा ली है। ऐसे ही सिलाई लगाने के बाद एक डबल सिलाई और लगा लेंगे। तो मैंने दोनों सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद मैंने बाजू को कर लिया तैयार। अब कुर्ती को उल्टा रखेंगे और बाजू को कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद बाजू को कुर्ती के अंदर इस तरह से डालेंगे और जो बाजू की सिलाई है उसको हमें कुर्ती के जो ये कट लगाया था एक्स्ट्रा कपड़े का तो इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए जो बाजू की सिलाई है उस कट से मिलाते हुए और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो कुर्ती के कपड़े को और इस कपड़े को आमने सामने नहीं रखना है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। बाजू के पूरे राउंड में ही हमें मार्जिन एक जैसा ही रखना है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं करना है। तो ये देखिए ये मैं अच्छे से पकड़ते हुए ये मैंने बाजू की सिलाई भी कंप्लीट कर दी है। तो ये देखिए ये मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। अब मैं एक सिलाई और लगा लूँगी ताकि बाजू यहाँ से पक्की हो जाए। तो ये मैंने दोनों बाजू को इस तरह से ये देखिए अटैच कर लिया है। दोनों बाजू को अटैच करने के बाद कुर्ते की कुछ इस तरह से लुक आएगी और नेक पे भी पल्ले पे भी मैंने कुछ इस तरह से ये लेस का अटैच की थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।